प्रौद्योगिकी में आज हम बात करेंगे सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में। सीडीएनए मींस पूरक डीएनए का निर्माण किस तरीके से होगा। तो सीडीएनए लाइब्रेरी में आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से सीडीएनए लाइब्रेरी तैयार की जाती है, क्या प्रोसेस होगा उसका, और किस एंजाइम की सहायता से सीडीएनए लाइब्रेरी बनाई जाती है। सीडीएनए लाइब्रेरी क्यों आवश्यक है और उसके क्या फायदे हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं कि सीडीएनए का मतलब होता है पूरक डीएनए। डीएनए जैसा ही एक दूसरा डीएनए बनाना पूरक डीएनए कहलाता है। वैसे डीएनए जो होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं। डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाता है जिससे उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती रहती है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में। तो इसमें किस तरीके से प्रोसेस होगा, तो देखिए एमआरएनए रज्जुकपट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम द्वारा बनने वाला डीएनए ही सीडीएनए या पूरक डीएनए कहलाता है। तो भाई ध्यान रखना कि एमआरएनए जो है एक रज्जुक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम के द्वारा जो डीएनए बनेगा वो डीएनए सीडीएनए कहलाता है या पूरक डीएनए कहलाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सीडीएनए किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना कि जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के सभी सीडीएनए को, गाइस ध्यान देना, जीन क्लोनिंग विधि के द्वारा किसी जीव के यानी किसी भी जीव के सभी सीडीएनए को जो हमने पूरक डीएनए बनाए हैं उनको परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाकर उसकी प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले वांछित डीएनए युक्त क्लोन को सीडीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। ध्यान रखना गाइस कि जो हमारे पास डीएनए है उस डीएनए की अनेकों प्रतियां बनाना वो पीसीआर के द्वारा होता था, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से हम अनेकों प्रतियां किसी भी डीएनए की या जीन की प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि जीन क्लोनिंग के द्वारा यानी कि जीन क्लोनिंग विधि के द्वारा किसी भी जीव के सीडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करवाकर उसकी प्रतियां प्राप्त की जाती हैं और जो प्रतियां हमने प्राप्त की हैं उनसे वांछित डीएनए युक्त क्लोन को, मतलब उन प्रतियों से प्राप्त वांछित डीएनए युक्त क्लोन को सीडीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। अब हम बात यहां पर यह करेंगे कि सीडीएनए लाइब्रेरी में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या आर्टिकल्स हमें उसके अंदर चाहिएंगे। सबसे पहले सांचा चाहिएगा जिसे टेम्पलेट कहते हैं। सांचा एमआरएनए का होता है, मतलब सीडीएनए बनाने के लिए हमें एमआरएनए का उपयोग करना पड़ता है। सीडीएनए बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, एमआरएनए का। तो सांचे के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए सीडीएनए के निर्माण हेतु एमआरएनए का उपयोग करते हैं। दूसरा सामग्री क्या होगा, प्रारंभिक धारा जिसे प्राइमर कहते हैं। ये प्राइमर क्या करता है, अपने एमआरएनए से जुड़कर अभिक्रियाओं को बढ़ा देता है। देखिए सेकंड प्राइमर के अंदर सामग्री की सीडीएनए बनाने के लिए उचित प्राइमर की आवश्यकता होती है, यानी कि सीडीएनए बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्राइमर की और एमआरएनए की। अब प्राइमर और एमआरएनए आपस में जुड़कर अभिक्रियाओं को प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान रखना कि सीडीएनए बनाने के लिए उचित प्राइमर की आवश्यकता होती है जो एमआरएनए से जुड़कर अभिक्रियाओं को प्रारंभ करता है। तीसरा सामग्री क्या होगा, तो तीसरी सामग्री होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम क्या करेगा, तो ये ध्यान रखना कि यह एंजाइम एमआरएनए के साथ जुड़कर, कौन सा एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम एमआरएनए के साथ जुड़कर एक नए पूरक डीएनए का निर्माण करता है जिसे आरएनए व डीएनए का एक संकर अणु प्राप्त होता है। गाइस यहां पे ध्यान देंगे, हम सीडीएनए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीडीएनए में सामग्रियों में क्या क्या चाहिएगा, सांचा चाहिएगा जो सांचे के रूप में एमआरएनए को काम में लिया जाता है। दूसरा प्रारंभिक कारक यानी प्राइमर चाहिएगा जो एमआरएनए को जोड़कर अभिक्रियाओं को प्रारंभ करेगा। तीसरा है ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, एमआरएनए के साथ जुड़कर एक नए पूरक डीएनए का निर्माण करता है जिससे आरएनए व डीएनए जुड़ जाते हैं।
और एक शंकर अणु बनाते हैं। इस शंकर अणु का जल अपघटन करवाने पर, गाइस फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम क्या करेगा, जो सी डीएनए है और एमआरएनए है इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा। मतलब आरएनए और डीएनए आपस में क्या बन गए, जुड़कर एक शंकर अणु का निर्माण उन्होंने किया है। इस शंकर अणु का जल अपघटन जैसे ही हम करवाएंगे तो एमआरएनए जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा और हमें सी डीएनए की प्राप्ति होगी। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम क्या है। यह एंजाइम एमआरएनए के साथ जुड़कर एक नए पूरक डीएनए का निर्माण करता है जिससे आरएनए व डीएनए का एक संयुक्त अणु प्राप्त होता है। इस संकर अणु का जल अपघटन करवाने पर एमआरएनए निष्क्रिय हो जाता है और सीडीएनए प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं कि इस सीडीएनए की पीसीआर द्वारा यानी प्राइमरी चेन रिएक्शन द्वारा या कई प्रतियां प्राप्त की जाती हैं, इसे ही सीडीएनए लाइब्रेरी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान दिया हमने यहां पर कि सीडीएनए लाइब्रेरी किस तरीके से तैयार होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसक्रिप्टोन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम की आवश्यकता होती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम के द्वारा जो डीएनए बनता है वो इस सीडीएनए कहलाता है। दूसरी बात, इसमें हमने क्या किया था कि जीन क्लोनिंग विधि द्वारा किसी जीन के सीडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराकर उसकी प्रति हमने प्राप्त की थी और इस प्रकार से जो प्रति हमें प्राप्त हुई थी उनसे वांछित डीएनए युक्त क्लोन को सीडीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। और सीडीएनए लाइब्रेरी को तैयार करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पहली है सांचा जिसे टेम्पलेट कहते हैं, इसके लिए हम एमआरएनए का प्रयोग करते हैं। दूसरा है प्राइमर, प्राइमर जो है सीडीएनए बनाने के लिए हमें जो प्राइमर है वो एमआरएनए के साथ जुड़कर अभिक्रियाओं को प्रारंभ कर देता है। तीसरा सामग्री था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, ये क्या करता है एमआरएनए के साथ जुड़कर एक नया पूरक डीएनए बनाता है जिससे आरएनए व डीएनए का एक संकर अणु प्राप्त होता है और इस संकर अणु का जैसे ही हम जल अपघटन करवाते हैं तो इसमें एमआरएनए निष्क्रिय हो जाता है और सीडीएनए प्राप्त हो जाता है। और अब जो सीडीएनए में प्राप्त हुआ है उससे पीसीआर विधि के द्वारा हम उसकी कई प्रतियां प्राप्त कर लेते हैं और ये कई प्रतियां प्राप्त करने की विधि सीडीएनए लाइब्रेरी कहलाती है। यहां पर देखिए ये एक टेम्पलेट है जिसमें एमआरएनए साचा हमने दिखाया है। अब ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए व सीडीएनए को जोड़ दिया गया है। अब इसका जैसे ही हमने जल अपघटन करा तो सीडीएनए हमें प्राप्त हुआ, वो पृथक हो गया क्योंकि एमआरएनए वहां निष्क्रिय हो जाता है और सीडीएनए हमें प्राप्त हो जाता है। सीडीएनए प्राप्त हुआ, इसका हमने सीडीएनए का द्विरज्जु बना लिया है और इस तरीके से हमें इसकी अनेकों प्रतियां प्राप्त होती रहती हैं। तो गाइस आज हमने सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में नॉर्मली तरीके से देखा है। सीडीएनए जो लाइब्रेरी है या सीडीएनए जो है उसे पूरक डीएनए या सीडीएनए भी कहा जाता है। इसके लिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम की आवश्यकता होती है। विदाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम के द्वारा हम सीडीएनए लाइब्रेरी तैयार नहीं कर सकते और सीडीएनए लाइब्रेरी तैयार करने के लिए हमें टेम्पलेट की, प्राइमर की और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोन एंजाइम की आवश्यकता होती है।